पर आपको यकीन है कि नॉन वायलेंस हिटलर जैसों के खिलाफ कारगर होगी? उसमें हार भी होगी और तकलीफ भी, पर क्या इस जंग में हार नहीं हुई? वो मरते ही गए, हिंदू और मुसलमान एक साथ शान से सर उठाए, कहीं कोई घबराहट नहीं कि चोट लगेगी या मरेंगे। मरहम पट्टी करती रही, हिम्मत देती हुई, जब तक वो थक कर गिर ना पड़ी। स्टॉप। फिर भी ये मुख्यमंत्री के निर्देशन अनुसार यहाँ का गांधी मूवी दिखाया गया है स्टूडेंट्स को। बहुत अच्छा लगा पिक्चर, एक्सप्रेशन बहुत अच्छा था, पिक्चर बहुत अच्छा लगा। पिक्चर में क्या बताया? सत्य और अहिंसा के मार्ग के बारे में बताया गया। क्या संदेश देना चाहते हैं लोगों को? लोगों को यह संदेश देना चाहते हैं कि मतलब गांधी जी जो कि बहुत ही अपने जीवन में बहुत ही अहिंसा और सत्यवादी की राह में चलते दिया। उसमें क्या समझे आपने, जो भारत और पाकिस्तान का विभाजन हुआ उसका क्या संदेश है इसमें? विभाजन में गांधी जी और जीना जी जो थे, उन्होंने मतलब गांधी जी तो नहीं चाहते थे कि पाकिस्तान और भारत का विभाजन हो, पर वर्तमान स्थिति को देखते हुए भारत का और पाकिस्तान का विभाजन करना पड़ा। मेरा नाम अर्जित साहू है और मैं सेजस कुमारी स्कूल से आया हूँ, और इस मूवी को देखकर बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। और इस मूवी से हमको ये शिक्षा मिलती है कि किसी भी चीज़ को करने के लिए फाइट की ज़रूरत नहीं है, इसे आप शांति प्रेम भावना से आप कर सकते हैं। और गांधी जी ने इस मूवी में अपने शांति और प्रेम भावना से अपने हमारे देश को आज़ाद कराया। अगर वो ना होते तो हम यहाँ पर नहीं रहते, यहाँ पर ब्रिटिश का कब्जा रहता। गांधी जी ने अपने दम पे अहिंसा के बल पर हमारे देश को आज़ाद कराया। कैसा लगा पिक्चर? बहुत अच्छा लगा। कैसा रहेगा कि तुम्हें क्या करना है, ऐसा कुछ सोच हुआ? इसमें हमको ये पता चला क्लास 12th कॉमर्स, तो बेसिकली पिक्चर बहुत अच्छी थी। उसमें हमें पूरी बताया गया कि हमारे इंडिया को कैसे आज़ादी मिली, कैसे फ्रीडम मिली, हमें कैसे सॉल्ट मर्चेंट के बारे में भी पता चला, तो पिक्चर अच्छी थी। द्वारा दिनांक 20 से 30 तारीख तक हमर तिरंगा उत्सव के तहत हमर तिरंगा उत्सव के तहत पूरा छत्तीसगढ़ राज्य के 11 एवं 12 के बच्चों को गांधी जी की मूवी दिखाई जा रही है, जिससे बच्चों में देशभक्ति और प्रेरणा की नया स्रोत उनमें जागृत हो, देशभक्ति के जज्बा बढ़े। पूरे छत्तीसगढ़ राज्य के लगभग 5.5 लाख बच्चों को दिखाने का लक्ष्य है। कुछ बच्चों को हम PVR और अन्य टॉकीज में दिखाएंगे, बाकी बच्चों को स्मार्ट क्लास में दिखाएंगे। इसके साथ आज से 20 तारीख से 30 तारीख तक सभी स्कूल में विभिन्न प्रकार की गतिविधियां चलाई जाएंगी। ये छत्तीसगढ़ शासन का एक अभिनव पहल है, माननीय मुख्यमंत्री जी का, माननीय हमारे मंत्री जी का, हमारे सभी अधिकारियों का, कि बच्चों में, छत्तीसगढ़ राज्य के बच्चों में गांधी जी के प्रति जो भावना है, देशभक्ति की प्रेरणा है, बच्चों को मिले और हमारा छत्तीसगढ़ राज्य के बच्चे